हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब कभी वीकेंड या हॉलीडे होता है तो हम अपना टेस्ट चेंज करने जाते हैं किसी ढाबा या फिर रेस्टोरेंट में, तो बिल्कुल उसी ढाबा और रेस्टोरेंट का टेस्ट मिलेगा आपको आज की रेसिपी शाही पनीर में। होटल में तो इसमें बहुत सारा बटर और ऑयल यूज़ किया जाता है, लेकिन घर पर आप अपने हिसाब से कम ऑयल और बटर में से बना सकते हैं, और माइक्रोवेव में तो ये बहुत जल्दी और आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ माइक्रोवेव में ही बनेगा, आप इसे गैस पर भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है शाही पनीर, खाने में भी ये उतना ही शाही लगता है। तो चलिए देख लेते हैं शाही पनीर की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, शाही पनीर बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम पनीर। इसे हम चौकोन कट कर लेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पनीर ले सकते हैं। इस तरह से हम पनीर को चौकोन कट कर लेंगे, क्यूब्स बना लेंगे। पनीर को काटने से थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख देना है, तो पनीर आसानी से कट जाता है। आप अपने हिसाब से थोड़े छोटे या बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे। और मैंने माइक्रोवेव सेफ ग्लास बाउल ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज और 5-6 लहसुन की कलियाँ। इन्हें भी हम कट कर लेंगे और ऑयल में डालेंगे, और इसमें डालेंगे एक छोटा अदरक का टुकड़ा, 1 पीस दालचीनी का और 4-5 लौंग और काली मिर्च, और एक बड़ी इलायची को मैंने छील लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को ऑयल में थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 सूखे लाल मिर्च। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है तड़के में। और इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में भून लेंगे। तो 1-1 मिनट करके मैंने 2 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है तड़के को। ये काफ़ी अच्छे से तड़का भुन गया है, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इन्हें हम मोटा मोटा कट कर लेंगे। और कटे हुए टमाटर को हम माइक्रोवेव सेफ ग्लास बाउल में डाल के 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो 2 मिनट में टमाटर आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गए हैं, और इनकी हम प्यूरी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज लहसुन और सारे मसालों को ग्राइंड कर लिया है, और जो टमाटर भुने थे उनकी भी हमने प्यूरी बना ली है। और मैंने 20 से 25 काजू को भिगा के रखा था, उनका भी मैंने इस तरह से बारीक पेस्ट बना लिया है। और फ्रेंड्स, काजू की जगह पे आप पीनट्स या फिर शेंगदाने का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी ग्रेवी काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो ग्रेवी को भूनने के लिए फिर से मैंने माइक्रोवेव सेफ ग्लास बाउल ले लिया है, और इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ग्रेवी तैयार करने में ऑयल अब ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे मसालों को ऑयल में भून लिया था। और ये जो मसाले वाली ग्रेवी है, इसमें हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो गई है, और ग्रेवी से ऑयल भी बाहर आ गया है, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और इसे भुनने में पूरा 3 मिनट का टाइम लगा है, और वैसे भी माइक्रोवेव में आपको बहुत ज़्यादा बार बार स्टर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और ग्रेवी इसमें चिपकती भी नहीं है और जलती भी नहीं है, और बहुत कम से कम ऑयल में आप ग्रेवी को भून सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका टेक्सचर कलर रेडी हो गया है, और ग्रेवी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है, और आप जितना तीखा करना चाहते हैं उतना मसाला ऐड कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सब मसालों को मिक्स करने के बाद एक मिनट और माइक्रोवेव कर लेंगे। एक मिनट माइक्रोवेव हमने और कर लिया है और अब हम जो टमाटर प्यूरी हमने बना के रखी थी उसे ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए माइक्रोवेव में इसे फिर से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टमाटर प्यूरी डालने के बाद तीन मिनट फिर से हमने माइक्रोवेव कर लिया है और ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है कि उसका कलर, टेक्सचर और खुशबू इनसे हम समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। और जो काजू का पेस्ट बनाकर हमने रखा था उसे अब ऐड कर देंगे। इसे बाद में ऐड करने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काजू की ग्रेवी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैंने 100 ग्राम दूध में 50 ग्राम फ्रेश क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम ग्रेवी में इसे मिक्स करेंगे। आप जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उतना यूज़ कर सकते हैं और मैंने इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी रखी है। ये बहुत गाढ़ा और बहुत पतला भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स ग्रेवी बिल्कुल रेडी है और हम इसमें अब डाल देंगे कटा हुआ पनीर और इन पीसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिठास देने के लिए थोड़ी सी शुगर का यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच नमक। आप टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए और इस ग्रेवी को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे 4 से 5 मिनट तक फिर से माइक्रोवेव में पका लेंगे ताकि पनीर भी अच्छे से पक जाए और ग्रेवी और मसाले पनीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से सारी ग्रेवी भुन चुकी है और हमारा शाही पनीर बन के रेडी हो गया है। ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसमें हम ऐड कर देंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है और ऊपर से हम इसे डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप घर में होटल और ढाबे के जैसे शाही पनीर बना सकते हैं और इसे हम अब सर्व कर लेते हैं। और इसे गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम के साथ और छोटे छोटे बटर के पीसेस के साथ। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से आप शाही पनीर की रेसिपी होटल के जैसी घर पे भी बना सकते हैं और इसे तंदूर रोटी, नान, पराठा, कुलचा किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।